क्वेश्चन में सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, इक्वेशन है 4 टू द पावर साइन एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 बाई कॉस वाई इक्वल टू 11, 5 इंटू 16 टू द पावर साइन एक्स माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 1 बाई कॉस वाई इक्वल टू 2। हम लेमडा इक्वल टू साइन टू द पावर 4x और म्यू इक्वल टू 1 बाई कॉस टू द पावर 3y पकड़ लेते हैं, तब हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 11, और दूसरा एक क्वेश्चन हो जाता है फाइव 16 साइन टू द पावर x को हम 4 साइन टू द पावर 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 5 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 म्यू। हम पहले समीकरण से न्यू इक्वल टू 11 माइनस लेमडा पाते हैं। हम सेकेंड इक्वेशन में न्यू का वैल्यू 11 माइनस लेमडा डाल देने पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा मिलता है, जिसको सॉल्व करने पर हमें लेमडा का दो वैल्यू एक माइनस 12/5 और एक 2 मिलता है। जब लेमडा इक्वल टू माइनस 12/5 होगा तो हम ये जो थर्ड इक्वेशन से न्यू इक्वल टू 11 माइनस लेमडा, यानी हम जब लेमडा इक्वल टू माइनस 12/5 है तो म्यू इक्वल टू 67/5, और जब लेमडा इक्वल टू 2 है तो म्यू इक्वल टू 9। तो जरा देखें लेमडा इक्वल टू माइनस 12/5 मतलब लेमडा क्या था, साइन टू द पावर 4x/3। हम जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू 0, साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 के बीच होता है, मिनिमम वैल्यू माइनस 1। तो अगर मान लें कि मिनिमम वैल्यू साइन एक्स का माइनस 1 है तो 4 टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1/4 मैंने 0.25, और अगर 4 का वैल्यू प्लस 1 है तो 4 टू द पावर 1 मीन्स 4 होगा। कहने का मतलब साइन 4x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी साइन टू द पावर 4x का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो माइनस 12/5 0 से कम है, इसलिए लेमडा का वैल्यू माइनस 12/5 नहीं होगा। तो जब ए वैल्यू वैलिड, ए वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है तो ए वैल्यू भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जब लेमडा का वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 टू द पावर साइन एक्स इक्वल टू 2, 4 टू द पावर साइन एक्स को 2 टू पावर 2 साइन एक्स इक्वल टू 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 साइन एक्स इक्वल टू 2 का पावर 1, तो 2 साइन एक्स इक्वल टू 1, यानी साइन एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन पाई बाई 2, इसलिए लेमडा का वैल्यू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस, इसलिए एक्स का वैल्यू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 6। जब न्यू का वैल्यू 3 होगा तो 3 टू द पावर 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू 3, 3 टू द पावर कॉस एक्स इक्वल टू 9, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर, दोनों का बेस 3 है इसलिए पावर भी सेम होगा, मैंने 1 बाई कॉस वाई इक्वल टू 2 होगा, एंड 2 कॉस वाई इक्वल टू 1 इंप्लाइज कॉस वाई इक्वल टू हाफ, हाफ मीन्स कॉस 5/3। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, मैंने y इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो इस प्रकार x का वैल्यू एन पाई माइनस 1 टू द पावर n π/6 और y का वैल्यू 2nπ प्लस माइनस π/3 होगा। यहाँ पर n एक इंटीजर होगा, यही x और y का वैल्यू हमको मिल गया।